दोस्तों नमस्कार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों पर केस करना, FIR करना, लीगल नोटिस भेजना, ये सारी की सारी चीजें कोर्ट का समय बर्बाद करने जैसी होती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन चीजों के लिए बने तो है, लेकिन कोर्ट कचहरी वाली चीजें इनके रुतबे के सामने बहुत ही छोटी नजर आती है। अगर गलती से किसी को सजा हो भी जाए तो मुश्किल से 2 या 4 दिन वो लोग जेल में बंद होते हैं, वो भी ऐशो आराम वाले जेल में जहां पर AC, फ्रिज सब कुछ मौजूद होता है, और उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग जेल से बाहर निकला। तो बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिन्हें कोर्ट ने लीगल नोटिस भेजा है, वो भी फिल्म के एक डायलॉग के लिए। फिल्म 5 साल पुरानी है, फिल्म का नाम है रुस्तम। अब इसी फिल्म के एक डायलॉग के चलते अक्षय कुमार सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसे एक वकील ने किया है। तो फिल्म के एक सीन में जज है अरंग देसाई और नेवी कमांडर पावरी यानी कि अक्षय कुमार। तो जज है जो अक्षय कुमार से कहते हैं, कमांडर पावरी कुछ वक्त के लिए अपनी नेवी की तहजीब और प्रोटोकॉल भूल जाइए, बस ये समझिए कि आप एक बेशर्म वकील है जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है। तो मनोज गुप्ता नाम के वकील ने इस चीज को लेकर मानहानि का केस पूरी फिल्म के यूनिट पर कर दिया है। इन वकील का कहना है कि जिस तरह से वकीलों की इसमें बेइज्जती की गई है, जो गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई है, वो नहीं करना चाहिए था, और इसी लेकर मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इसी चीज को लेकर जो वकील है उन्होंने इन सभी के ऊपर धारा 501, 502, 503 के अंतर्गत कठोर कारावास और जुर्माने की मांग की है। और ये धारा किन किन लोगों पर लगाई गई है? ये धारा लगाई गई है सुभाष चंद्रा यानी जो कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जी एंटरटेनमेंट के मालिक है। दूसरा नाम है मुरदल केजारी का, जो कि जी एंटरटेनमेंट के MD और CEO है। तीसरा नाम है टीनू सुरेश देसाई, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। चौथा नाम विपुल के रावल, जो फिल्म के राइटर हैं। पांचवा अक्षय कुमार, जो फिल्म के लीड एक्टर हैं। अनंग देसाई, जो फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर हैं और इस फिल्म में जज की भूमिका अदा कर रहे हैं। और सातवां नाम है सुरेश गुप्ता, जो कटनी के सिटी प्राइड सिनेमा हॉल के मालिक है। वकील मनोज गुप्ता का ये कहना है कि ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने इस फिल्म के ऊपर केस किया था, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई टलते गई और साल 2020 में जब इस केस की सुनवाई होनी थी तब कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते ये सुनवाई उस वक्त नहीं हो सकी। और अब साल 2021 में अदालत ने इन सभी को नोटिस भेज दिया है। अब इस नोटिस के तहत इन सभी को 10 मार्च को अदालत के सामने पेश होना होगा। देखिए, वैसे तो हम सभी को पता है कि इस केस का कुछ भी होना नहीं है, ये सब के सब आराम से छूट जाएंगे, क्योंकि ये सब इनके लिए रोज की बात है और बहुत ही साधारण सी बात है। और एक वकील के कहने पर अदालत इसे इतना सीरियसली लेगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये तो बहुत ही छोटा मोटा मामला। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।